हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गो एग्रो। सो फ्रेंड्स, टुडेज लेक्चर इज ऑन लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का सिक्स लेक्चर है। इससे पहले हमने फिफ्थ लेक्चर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। सो आज के लेक्चर में हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है फर्टैलिटी, सेकेंड इनफर्टिलिटी, थर्ड कॉजेज ऑफ फर्टैलिटी, नेक्स्ट है एस्ट्रस साइकिल और ब्रीडिंग साइकिल, पार्चुरेशन, स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, मेमोरी ग्लैंड्स एंड मिल्क सेक्रेशन। सो ये सभी टॉपिक्स आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो फर्स्ट टॉपिक है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी किसी भी इंडिविजुअल एनिमल की एबिलिटी होती है जिससे वो यंग वन को प्रोड्यूस कर सकता है। फर्टिलिटी टर्म हम मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। सो किसी भी यंग वन को प्रोड्यूस करने के लिए मेल और फीमेल दोनों ही पेरेंट का फर्टाइल होना ज़रूरी होता है। यहाँ पर फर्टिलिटी की कुछ इम्पोर्टेंस दी हुई हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंस है कि फर्टिलिटी से इकोनॉमिक रिटर्न बढ़ जाता है। जैसा कि जो पेरेंट्स फर्टाइल होते हैं वो यंग वन को प्रोड्यूस करेंगे, और यंग वन को प्रोड्यूस करेंगे तो उससे इकोनॉमिक रिटर्न बढ़ जाएगा। सेकेंड इम्पोर्टेंस है कि जो एनिमल फर्टाइल होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रिवेंट लॉस इन मिल्क प्रोडक्शन ड्यू टू लॉन्गर कैल्विंग पीरियड। मीन्स जो एनिमल फर्टाइल होते हैं और जो फीमेल फर्टाइल होती है वो कंटिन्यू मिल्क प्रोडक्शन करती है, और उसके अंदर कैल्विंग इंटरवल शॉर्ट होता है जिससे मिल्क प्रोडक्शन का लॉस नहीं होता है। सो दिस इज़ अबाउट फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब होता है कि मेल और फीमेल की एबिलिटी जिससे हम यंग वन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो फर्टिलिटी के इम्पॉर्टेंस होते हैं कि फर्टिलिटी से हम इकोनॉमिक रिटर्न को इनक्रीज कर सकते हैं, एनिमल्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है एंड मिल्क प्रोडक्शन कंटिन्यू रहता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मेल फर्टिलिटी। सो मेल फर्टिलिटी का मतलब होता है कि बुल की एबिलिटी टू फर्टाइल एनी फीमेल। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बुल की जो फर्टिलिटी होती है उसे हम दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, हाई फर्टाइल और लो फर्टाइल। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए हैं जिसकी वजह से मेल फर्टिलिटी अफेक्ट होती है और जिसकी वजह से मेल फर्टिलिटी के अंदर वेरिएशंस दिखाई देते हैं, हाई फर्टिलिटी और लो फर्टिलिटी। फर्स्ट फैक्टर है इनएबिलिटी टू कॉप्यूलेट। यहाँ पर बुल अनेबल होता है कि वो कॉप्यूलेट नहीं कर सकता, और इसका रीज़न होता है शॉर्ट पेनिस की वजह से। सेकंड फैक्टर है इनएबिलिटी और रिड्यूस्ड एबिलिटी टू फर्टिलाइज। पुअर क्वालिटी ऑफ सीमेन की वजह से बुल अनेबल हो जाता है फर्टिलाइज करने के लिए, या फिर इसकी जो फर्टिलाइज करने की एबिलिटी हो जाती है वो कम हो जाएगी। थर्ड फैक्टर है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी मेल फर्टिलिटी अफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट है डिजीजेस। डिजीजेस की वजह से भी मेल फर्टिलिटी अफेक्ट होती है। फिफ्थ है एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड सिक्स्थ है न्यूट्रिशन। सो इन सभी फैक्टर्स की वजह से मेल फर्टिलिटी अफेक्ट होती है। फीमेल फर्टिलिटी को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं मेनली टू टाइप से। फर्स्ट है फर्टिलाइजेशन फेलियर एंड सेकंड है एम्ब्रियोनिक मॉर्टेलिटी। सो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन फेलियर के कुछ फैक्टर्स दिए हैं। फर्स्ट फैक्टर है फेलियर ऑफ ओव्यूलेशन। इस केस में फीमेल ओव्यूलेट नहीं करती है, और हम बोल सकते हैं कि ओवम प्रोड्यूस नहीं करती है। सेकंड फैक्टर है डिलेड ओव्यूलेशन। डिलेड ओव्यूलेशन का मीनिंग है जिस टाइम पे फीमेल को ओव्यूलेट करना चाहिए उस टाइम पे फीमेल ओव्यूलेट नहीं करती है, और डिलेइंग हो जाता है ओव्यूलेशन। नाउ
थर्ड फैक्टर है एबनॉर्मल ओवम। इस केस में फीमेल ओव्यूलेट तो करती है, ओवम प्रोड्यूस करेगी, लेकिन वो जो ओवम है वो एबनॉर्मल होगा। नाउ फोर्थ फैक्टर है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस मेल फर्टिलिटी और फीमेल फर्टिलिटी दोनों को ही अफेक्ट करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ओवम प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, या फिर अगर वो प्रोड्यूस होगा तो भी उसकी कंडीशन एबनॉर्मल होगी। नाउ फिफ्थ पॉइंट है फेलियर ऑफ ओवम टू बी एंट्रैप्ड बाय फैलोपियन ट्यूब। जैसा कि ओवम रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में जाता है और वहाँ पर वो मेल स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है, लेकिन इस केस में ओवम डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब से एंडोमेट्रियम में चला जाता है, जिसकी वजह से वो फैलोपियन ट्यूब उस ओवम को एंट्रैप कर नहीं पाती है और जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। सो फीमेल फर्टिलिटी के जो सेकंड फैक्टर्स हैं वो है एम्ब्रियोनिक मॉर्टिलिटी। सो एम्ब्रियो बनने से पहले जो फैक्टर्स फीमेल फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं उन्हें हम फर्टिलिटी फेलियर बोलते हैं, और जो फैक्टर्स एम्ब्रियो या जायगोट बनने के बाद अफेक्ट करते हैं उन्हें हम एम्ब्रियोनिक मॉर्टिलिटी बोलते हैं। सो एम्ब्रियोनिक मॉर्टिलिटी में क्या होता है समझते हैं। इस केस में ओवम जायगोट एंड एम्ब्रियो फॉर्म कर लेता है, लेकिन एम्ब्रियो की जो डिफरेंट स्टेजेस होती है उस टाइम पर एम्ब्रियो की डेथ हो जाएगी, और इस केस में यूटरस में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कुछ केस में ये एम्ब्रियोनिक मॉर्टिलिटी हेरिडिटरी भी होती है और कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स की वजह से भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रिटार्ड हो जाता है, या फिर ब्रुसेलोसिस, माइकोप्लाज्मोसिस, माल न्यूट्रिशन, वाइटामिन ए डिफिशियंसी, हार्मोनल इम्बैलेंस, क्लाइमेटिक स्ट्रेस, इन सभी की वजह से भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन अफेक्ट हो जाता है और इस केस में भी एम्ब्रियोनिक मॉर्टिलिटी हो सकती है। सो ये हमने पढ़ा फीमेल फर्टिलिटी। सो फीमेल फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं मेनली दो फैक्टर्स, फर्टिलाइजेशन फेलियर एंड एम्ब्रियोनिक मॉर्टिलिटी। फर्टिलाइजेशन फेलियर का मतलब होता है एम्ब्रियो बनने से पहले के जो फैक्टर्स जो फीमेल फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं उन्हें हम फर्टिलाइजेशन फेलियर बोलते हैं। जैसे कि फीमेल ओव्यूलेट नहीं करती है, या ओव्यूलेशन डिलेड हो जाएगा, या फिर जो ओवम प्रोड्यूस कर रही है फीमेल वो एबनॉर्मल होगा। एंड नेक्स्ट फैक्टर है एम्ब्रियोनिक मॉर्टिलिटी। एम्ब्रियोनिक मॉर्टिलिटी का मतलब है कि फीमेल जो ओवम प्रोड्यूस करती है वो फर्टिलाइज होकर जायगोट या एम्ब्रियो बनाता है, और इस केस में ये जो जायगोट और एम्ब्रियो बनाता है वो डिफरेंट स्टेजेस में डेथ हो जाती है उसकी, और इसकी वजह से यूटरस में इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा एम्ब्रियोनिक मॉर्टिलिटी का रीज़न हो सकता है हेरिडिटरी और कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स। इसके अलावा कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जो एम्ब्रियोनिक मॉर्टिलिटी को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि माल न्यूट्रिशन, वाइटामिन ए डेफिशिएंसी, हार्मोनल इम्बैलेंस, ब्रुसेलोसिस, माइकोप्लाज्मोसिस। इसके अलावा कुछ क्लाइमेटिक स्ट्रेस जैसे फैक्टर्स भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मेल फर्टिलिटी एंड फीमेल फर्टिलिटी। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इनफर्टिलिटी। सो जैसा कि हमने फर्टिलिटी में पढ़ा था, फर्टिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी मेल और फीमेल की एबिलिटी जिससे वो यंग वन को प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन इनफर्टिलिटी का मतलब होता है यहाँ पर मेल या फीमेल इनएबल होते हैं कि वो एक यंग वन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर दो टर्म्स दी है, इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी। इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी में क्या डिफरेंस है समझते हैं। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि यहाँ पर मेल या फीमेल टेम्प्ररी अनेबल होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, मींस
शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेल या फीमेल अनेबल है रिप्रोड्यूस करने के लिए, इसे हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। लेकिन स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि ये जो फीमेल है या मेल है वो परमानेंट अनेबल होता है रिप्रोड्यूस करने के, मींस वो लाइफ में कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, और इसे हम बोलते हैं स्टेरिलिटी। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं जिनकी वजह से मेल या फीमेल में इनफर्टिलिटी होती है। अब हम इन कॉजेज को डिटेल में पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के कॉजेज जेनेटिक हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, या फिर न्यूट्रिशनल कॉजेज, मैनेजमेंटल कॉजेज और एनाटॉमिकल कॉजेज। तो ये सभी कॉजेज इनफर्टिलिटी को प्रोड्यूस करते हैं। सो फर्स्ट कॉज है जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज का मतलब होता है यहाँ पर फीमेल के अंदर ओवरीज एब्सेंट होती है या फिर मेल के अंदर टेस्टिस एब्सेंट होता है, इस कॉज को हम बोलते हैं जेनेटिक कॉज। सो जेनेटिक कॉज में ओवरीज या टेस्टिस एब्सेंट होते हैं। सेकेंड कॉज है फिजियोलॉजिकल और हार्मोनल कॉज। जब मेल और फीमेल के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उस टाइम पे भी इनफर्टिलिटी होती है। जैसे कि फर्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जब फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस केस में एस्ट्रस साइकिल इरेगुलर हो जाती है या फिर फीमेल के अंदर एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड है डेफिशिएंसी ऑफ टेस्टोस्टेरोन। जब मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है उस केस में मेल के अंदर सेक्स विगर नहीं बन पाएगा जिससे मेल इनफर्टाइल हो जाएगा। थर्ड है डेफिशिएंसी ऑफ गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। जब गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस टाइम पे सेक्सुअल मैच्योरिटी डिलेड हो जाती है। नाउ थर्ड पॉइंट है न्यूट्रिशनल कॉजेस। न्यूट्रिशनल कॉजेस का मतलब है जब मेल या फीमेल में डाइट प्रॉपर नहीं हो पाती, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से इनके अंदर इनफर्टिलिटी आ जाती है। सो फर्स्ट पॉइंट है डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एंड फैट्स इन डाइट। जब डाइट के अंदर एनर्जी और फैट की डेफिशिएंसी हो जाती है इससे इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स एंड विटामिंस। मिनरल विटामिंस की डेफिशिएंसी की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके अलावा जब एनिमल्स के अंदर एक्सेस फीडिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा फीडिंग करने की वजह से भी इनके अंदर फैटीनेस बढ़ जाती है और फैटीनेस की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। फोर्थ फैक्टर्स है मैनेजमेंटल कॉजेस। कुछ मैनेजमेंटल कॉजेस की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, जैसे कि इम्प्रॉपर टाइम ऑफ इंसेमिनेशन। ये मेनली लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है। जब प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है इसकी वजह से इम्प्रॉपर टाइम पे जब फीमेल के अंदर इंसेमिनेट कर देंगे तो उस टाइम पर इनफर्टिलिटी हो सकती है, या फिर इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ सीमेन। सीमेन को प्रॉपर तरीके से स्टोरेज नहीं कर रखा है, प्रॉपर कंडीशंस नहीं प्रोवाइड की है स्टोरेज के लिए, तो उस टाइम पर भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, या फिर इम्प्रॉपर टेक्निक ऑफ इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशंस करने की बहुत सारी टेक्निक होती है कि कैसे हमें सीमेन को इंसर्ट करना है, तो अगर इंसेमिनेशन करने की प्रॉपर टेक्निक का नॉलेज नहीं है तो उस टाइम पर भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। नाउ लास्ट है एनाटॉमिकल कॉजेस। एनाटॉमिकल कॉजेस फर्स्ट है ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब। जब फैलोपियन ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज होता है जिससे ओवम आगे पास नहीं हो सकता है और उस टाइम पर भी इनफर्टिलिटी हो सकती है।
नेक्स्ट है डिफेक्ट्स इन सर्विक्स एंड यूट्रस। जब यूट्रस या सर्विक्स में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, यूट्रस कंसीव नहीं कर पाता है, तो उस टाइम पर भी इनफर्टिलिटी होती है। या फिर जब टेस्टिकल्स और ओवरीज अंडर डेवलप्ड होती है, तो उस केस में वो जो ओवम या स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, और ये एबनॉर्मल स्पर्म और ओवम इनफर्टिलिटी करते हैं। सो ये था इनफर्टिलिटी। सो इनफर्टिलिटी का मीनिंग होता है द इनएबिलिटी ऑफ एनिमल टू रिप्रोड्यूस, और हमने इसके कॉजेस पढ़े हैं। इनफर्टिलिटी करने के बहुत से कॉजेस होते हैं, जैसे कि जेनेटिक कॉज, फिजियोलॉजिकल कॉज, न्यूट्रिशनल कॉज, मैनेजमेंटल कॉज और एनाटॉमिकल कॉज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन का मतलब समझते हैं। फीमेल के अंदर कुछ ऐसे साइन दिखते हैं हीटिंग के, उसे हम बोलते हैं ब्रीडिंग सीजन। ये जो सीजनैलिटी ऑफ ब्रीडिंग है, ये मेनली शिप और गॉट में ऑब्जर्व की जाती है। कैटल्स में जनरली ब्रीडिंग सीजन नहीं आते हैं। सो ब्रीडिंग सीजन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल साइकिल, एस्ट्रस साइकिल और ब्रीडिंग साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक ऐसी सेक्सुअल साइकिल और ब्रीडिंग साइकिल होती है, जिसे हम एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। दो एस्ट्रस साइकिल के बीच का जो इंटरवल होता है, उसे हम हीट साइकिल बोलते हैं। एस्ट्रस साइकिल के फोर डिफरेंट फेजेस होते हैं, मेनली प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटेस्ट्रस, एनेस्ट्रस एंड डायस्ट्रस। नाउ फर्स्ट फेज है प्रोएस्ट्रस। प्रोएस्ट्रस फेज के अंदर मेनली एनिमल्स के अंदर हीटिंग होती है। सो प्रोएस्ट्रस फेज के अंदर क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले जो ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल होता है, उससे फॉलिकुलर फ्लूड का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। इस फॉलिकुलर फ्लूड के सिक्रेशन इंक्रीज होने की वजह से ग्राफियन फॉलिकल की ग्रोथ होती है, एंड ग्राफियन फॉलिकल ओवरीज की वॉल से बल्ज आउट हो जाती हैं, और यहाँ पर जो ग्राफियन फॉलिकल है वो एक फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करती है। ये फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन काऊ के अंदर हीटिंग पीरियड लेकर आता है, और इस फेज में ओवम का डेवलपमेंट होता है। नाउ सेकेंड फेज है एस्ट्रस फेज। एस्ट्रस फेज के अंदर फीमेल डिजायर इंक्रीज हो जाता है, और इसे हम पीरियड ऑफ डिजायर बोलते हैं। एस्ट्रस फेज के अंदर फीमेल सर्विक्स से म्यूकस का डिस्चार्ज बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल प्रोएस्ट्रस साइकिल के अंदर फॉर्म हुई थी, उसका यहाँ पर रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल ओवम लिबरेट करती है। सो एस्ट्रस साइकिल के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए एसेंशियल होता है। इस फेज में अगर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होता है, तो उस केस में ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर नहीं होगी, और आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद थर्ड फेज है मेटेस्ट्रस। मेटेस्ट्रस फेज में ऑर्गन्स अपनी नॉर्मल कंडीशंस में आ जाते हैं। नाउ फोर्थ फेज है एनेस्ट्रस। मोनोएस्ट्रस एनिमल्स के अंदर एनेस्ट्रस पीरियड लॉन्ग रहता है। मोनोएस्ट्रस एनिमल्स का मीनिंग है ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर वन ईयर में ओनली वन एस्ट्रस साइकिल पॉसिबल होती है, और जिन एनिमल्स में वन ईयर में मोर देन वन एस्ट्रस साइकिल पॉसिबल होती है, उन्हें हम पॉलीएस्ट्रस बोलते हैं। पॉलीएस्ट्रस एनिमल्स के एग्जांपल है काऊ, बफेलो, शिप,
एंड गोट एंड मोनोएस्ट्रस एनिमल्स की एग्जाम्पल है डॉग एंड फॉक्स. नाउ लास्ट फिफ्थ फेज है डायएस्ट्रस. डायएस्ट्रस पीरियड रेस्टिंग पीरियड होता है. यहाँ पर जनरेटिव ऑर्गन्स रेस्टिंग पीरियड में रहती हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट एस्ट्रस साइकिल. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जेस्टेशन पीरियड. सो जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है इट इज़ द पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ कंसेप्शन टू द डेट ऑफ पार्चुरेशन. मीन्स फर्टिलाइजेशन से लेकर जब तक पार्चुरेशन होता है उस पीरियड को हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. पार्चुरेशन क्या होता है? द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन. तो जब तक एक एनिमल फर्टिलाइजेशन से लेकर किसी यंग वन को बर्थ देता है उस पीरियड को हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. इसे हम प्रेगनेंसी पीरियड भी बोल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट है एज एट प्यूबर्टी. एज एट प्यूबर्टी का मीनिंग क्या होता है समझते हैं. जिस एज में एक फीमेल एनिमल एस्ट्रस साइकिल में आ जाती है उसे हम प्यूबर्टी एज बोलते हैं. और जिस टाइम पर मेल स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो कॉपुलेशन के लिए डिज़ायर शो करते हैं उस एज को हम एज ऑफ प्यूबर्टी बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है पार्चुरेशन. पार्चुरेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू द फुल्ली डेवलप्ड एंड विजिबल यंग वन इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन. जब एक फीमेल एनिमल एक यंग वन को प्रोड्यूस करती है उस एक्ट को हम पार्चुरेशन बोलते हैं. द साइंस ऑफ अप्रोचिंग पार्चुरेशन मीन्स क्या क्या ऐसे साइंस होते हैं जिसको देखकर हमें पता चलता है कि पार्चुरेशन होने वाला है. तो फर्स्ट साइन है रिड्यूस्ड एपेटाइट एंड इरेगुलर रूमिनेशन. एनिमल के अंदर उनकी एपेटाइट और डाइट कम हो जाती है और रूमिनेशन भी इरेगुलर हो जाता है. नेक्स्ट साइन है स्लगिश मूवमेंट. स्लगिश मूवमेंट का मीनिंग होता है नॉर्मली एनिमल जिस वे में चलता है उससे ज़्यादा लेजी वे में और स्लो मूवमेंट करने लगता है. नाउ थर्ड साइन है लूज सॉफ्ट एंड स्वॉलन वुल्वा. फीमेल एनिमल के जो वुल्वा होती है वो लूज सॉफ्ट एंड स्वेल हो जाएगी. फोर्थ साइन है एनलार्जमेंट ऑफ अडर. फीमेल अडर्स एनलार्ज हो जाएंगे. फिफ्थ है रैपिड पल्स एंड रेस्पिरेटरी रेट. पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगी. एंड लास्ट है डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर. एनिमल का बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा. तो ये सभी साइंस है जिसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि पार्चुरेशन का टाइम हो गया है और पार्चुरेशन होने वाला है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन. पार्चुरेशन की स्टेजेस कितनी होती है? सो मेनली पार्चुरेशन की 4 स्टेजेस होती हैं. इन्हें हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं. सो फर्स्ट स्टेज है प्रीलिमिनरी स्टेज. प्रीलिमिनरी स्टेज के अंदर सर्विक्स डायलेट हो जाती है और ये डायलेशन 2 to 6 आवर्स में होता है. प्रीलिमिनरी स्टेज के अंदर एनिमल रेस्टलेसनेस फील करता है, माइल्ड लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है एंड रैपिड पल्स हो जाती है. पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगी. इस स्टेज में लेबर पेन 15 मिनट इंटरवल में होता है एंड ये हाफ आवर तक चलता है. इस स्टेज में बैक रप्चर हो जाता है और एलेनोटिक फ्लूड फ्लो होने लगता है वुल्वा से. प्रीलिमिनरी स्टेज के बाद सेकंड स्टेज आती है डायलेशन ऑफ सर्विक्स. इस स्टेज में फीटस का एक्सपल्शन हो जाता है और ये हाफ से 1 आवर तक हो सकता है. इस स्टेज में एम्नियन रप्चर हो जाता है एंड एम्नियन एम्नियोटिक फ्लूड को डिस्चार्ज करता है. एम्नियोटिक फ्लूड क्लियर एंड स्टिकी होता है. नाउ सेकंड स्टेज के बाद
थर्ड स्टेज है एक्सपल्शन ऑफ फीटस। ये स्टेज हाफ आवर से लेकर 1 आवर तक होती है। सो डायलेशन ऑफ सर्विक्स से एक्सपल्शन ऑफ फीटस के बीच का जो पीरियड होता है उसे हम थर्ड स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो कि हर 2 मिनट के इंटरवल्स में होते हैं और ये 1 टू हाफ आवर तक चलता है। इस स्टेज में फीटस वुल्वा से एक्सपेल आउट हो जाता है, मींस वुल्वा से फीटस बाहर आ जाएगा। नाउ फोर्थ स्टेज है एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। ये स्टेज 1/2 आवर से 8 आवर्स तक कंटिन्यू रहती है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस के बाद जब फीटस एक्सपेल्ड आउट हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है एक्सपल्शन इन प्लेसेंटा एंड फाइनली पार्चुरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मिल्क सिक्रेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मिल्क यील्ड एंड कंपोजिशन। यहाँ पर कुछ टर्म्स दी हैं, जैसे कि फर्स्ट टर्म है लैक्टेशन। लैक्टेशन का मीनिंग होता है जो मिल्च एनिमल्स होते हैं उनके अंदर उनकी ग्लैंडुलर सिक्रेटरी टिश्यूज में से मिल्क का सिक्रेशन होता है, उस प्रोसेस को हम लैक्टेशन बोलते हैं। ये जो लैक्टेशन का प्रोसेस है वो पार्चुरेशन से जस्ट बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर पार्चुरेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट टर्म है लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस का मतलब है इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रेशन। जैसे ही मिल्क सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएट होता है, उस प्रोसेस को हम लैक्टोजेनेसिस बोलते हैं। और हम बोल सकते हैं कि लैक्टोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मैमरी ग्लैंड की जो एल्वियुलर सेल्स होती हैं वो एबल हो जाती हैं मिल्क सिक्रीट करने के लिए, उसे हम लैक्टोजेनेसिस बोलते हैं। मिल्च एनिमल्स के अंदर जो मैमरी ग्लैंड होती है उसे हम अडर्स बोलते हैं। इसके बाद हम अडर्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। अडर्स बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं और ये स्किन से अटैच्ड होते हैं बाय कनेक्टिव टिश्यूज। अडर्स में काउंटलेस एल्वियोली प्रेजेंट्स होती हैं और कुछ ऐसे चैम्बर्स होते हैं जो सिक्रेशन का काम करते हैं। ये जो एल्वियोली है वो क्लस्टर्स फॉर्म करती हैं एज अ बंच ऑफ ग्रेप्स। जैसे कि ग्रेप्स का बंच होता है वैसे ही ये एल्वियोली का भी क्लस्टर होते हैं और ये एल्वियोली डक्ट से कनेक्टेड होती है। यहाँ पर अडर का इंटरनल स्ट्रक्चर दिया है। सो फर्स्ट है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। अडर्स के अंदर एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम मीडियल सस्पेंडरी लिगामेंट या फिर स्किन बोल सकते हैं। ये अडर्स बॉडी से अटैच्ड होते हैं लिगामेंट के थ्रू। यहाँ पर 2 लैटरल सस्पेंसरी लिगामेंट प्रेजेंट होता है और एक मीडियम सस्पेंसरी लिगामेंट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अडर्स के अंदर मेमोरी डक्ट सिस्टम और मिल्क सेक्रेटरी यूनिट्स प्रेजेंट होती है। इन यूनिट्स को हम एल्वियोली लोब्यूल्स लोब इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स बोल सकते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में गिवन है एल्वियोलीस लोब्स लोब्यूल्स कैप्सूल्स। एक लोब के अंदर क्लस्टर ऑफ एल्वियोलीस प्रेजेंट होती है। ये एल्वियोली मिल्क को होल्ड कर रखती है एंड एट द टाइम ऑफ सिक्रेशन एल्वियोली से मिल्क का सिक्रेशन होता है और वो डक्ट्स के अंदर पासा होती है। नाउ इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है द मिल्क लेट डाउन मैकेनिज्म। मिल्क लेट डाउन मैकेनिज्म क्या होता है समझते हैं। सो मिल्क लेट डाउन का मीनिंग है कि मिल्क सिक्रीट कैसे होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है जैसे ही मिल्क सिक्रीशन होना होता है तो उस टाइम पर एल्वियोली डक्ट ग्लैंड टीथ सिस्टर्न्स सभी मिल्क से फील्ड हो जाती है। इसके बाद कुछ ऐसे स्ट्यूमलस जनरेट होते हैं
जैसे कि टच, प्रेशर, वार्म्थ, जिसकी वजह से मिल्क का सिक्रीशन होता है। और ये स्टिमुलेशन जनरली जनरेट होते हैं बाय सकलिंग एक्शन ऑफ काफ। जैसे ही काफ मदर के पास जाकर अडर को सक करता है तो उस टाइम पर ये स्टिमुलेशन जनरेट होते हैं। या फिर जब अडर्स के ऊपर हम वार्म वाटर से वॉश करते हैं, उसे मसाज करते हैं, तो उस टाइम पर भी इक्वल स्टिमुलेशन जनरेट होते हैं। और जैसे ही ये स्टिमुलस जनरेट होते हैं तो उस टाइम पे पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ हार्मोन्स को रिलीज करती है और वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन पोस्टीरियर लॉब से सिक्रीट होता है। जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्लड स्ट्रीम्स कैरी कर लेती है और ये ब्लड स्ट्रीम्स अडर के पास जाकर अडर की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं। और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहाँ पर एल्वियोली में प्रेशर जनरेट होता है और इस प्रेशर की वजह से मिल्क एल्वियोली से डक्ट्स में आ जाता है और डक्ट से टीथ सिस्टर्न्स में आ जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है मिल्क लेट डाउन का, वो 1 मिनट में हो जाता है। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीशन होता है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है जो कि 7 मिनट तक कंटिन्यू रहता है एंड उसके बाद मिल्क सिक्रीशन स्टॉप हो जाता है। सो ये था मिल्क लेट डाउन मैकेनिज्म। सो दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, पार्चुरेशन, एस्टर साइकिल, मेमरी ग्लैंड एंड मिल्क सिक्रीशन। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो देखने के बाद कोएग्रो ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कोएग्रो ऐप पर आपको BSc एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स के PDF मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।